नमस्कार सर, क्या सतसाहेब जी, पंकज शुभ नाम है जी आप जी का? दास, पंकज दास जी, क्या काम करते हैं आप? भारतीय सेना में सेवारत हूँ जी। सर कहाँ पे है आपकी सेवा? अभी तो छुट्टी पर हूँ जी और रामगढ़ झारखंड में पोस्टेड हूँ। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने से पहले मैं सभी देवी देवताओं की पूजा, दुर्गा जी का नवरात्रे पूजा पाठ, कृष्ण जी की पूजा, अन्य सभी देवी देवताओं की पूजा और हनुमान जी का पुजारी था जी। सर जो भक्ति आप ये कर रहे थे, सभी देवी देवताओं की, दुर्गा जी की नवरात्रे करते थे, हनुमान जी की भक्ति करते थे, व्रत रखते थे, उस सब का आपको क्या लाभ मिलता था? उन सब का लाभ तो ये था कि मुझे कोई किसी प्रकार का दुख था ही नहीं। जैसा कि पहले से ही हमें ज्ञान दिया जा रहा था कि दुर्गा जी की पूजा करने से, दुर्गा जी का पाठ करने से ही मुक्ति हो सकती है, मोक्ष का सिर्फ यही एक मार्ग था। आत्मा जब से बचपन से ही, जब से होश में आए हैं, जब से कुछ जानने योग्य हुए हैं, उस समय से लगता था कि कहीं भगवान की खोज के लिए जाएं, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में, जहां पर भी कोई धर्मस्थल दिखाई देता था वहीं पर मत्था टेकने के लिए मन करता था और लगता था कि भगवान यहां पर है। तो इससे लाभ तो ये था कि किसी प्रकार का कोई दुख था ही नहीं, तो लाभ का और दुख का कोई पता ही नहीं चलता था। लेकिन आत्मा इस चीज़ को बिल्कुल स्वीकार नहीं करती थी कि जो भक्ति, जो व्रत पूजा पाठ मैं कर रहा हूँ, इससे आत्मा को किसी प्रकार की कोई संतुष्टि नहीं थी। तो ये सब करते करते तकरीबन 20 वर्षों से लगभग सभी संत महापुरुषों के आचार्य, ब्राह्मण, मंडलेश्वर, टेलीविज़न के माध्यम से जो भी सत्संग सुनाया करते थे, मैं उन सब को बड़े ध्यान मगन होकर सुनता था और आत्मा चाहती थी कि भगवान कहीं मिले। लेकिन इसके साथ साथ में मुझे सन 2009 में बहुत ही ज़बरदस्त भयानक बीमारी का सामना करना पड़ा। भक्ति करने के बावजूद इंसान भक्ति इसलिए करेगा क्योंकि उसकी सारी सुख सुविधाएं मिले, किसी प्रकार का कोई रोग ना हो और मेन बात है जो मोक्ष की प्राप्ति हो। लेकिन ये सब करने के बावजूद मुझे श्रीनगर के अंदर सांस की बहुत भयानक प्रॉब्लम हुई, जिसके कारण मुझे घुट घुट के सांस लेना पड़ा। जब हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला आपको दमा की शिकायत हो गई है, दमा ब्रोंकियल अस्थमा, जिसकी वजह से मुझे दवाई लेने से, पूजा पाठ करने से, लगातार पूजा पाठ में लगे रहने से कोई किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं हुआ, ना तो बीमारी का कोई थोड़ा बहुत भी रिलैक्सेशन किसी प्रकार का नहीं मिला। दवाइयां खाते खाते डॉक्टरों ने यहां तक बता दिया कि आपको जीवन भर दवाई खाना पड़ेगी। इस दमा की शिकायत का, सांस की बीमारी का आज तक कभी भी परमानेंट कोई इलाज नहीं निकला है। इस चीज को सहन करते हुए, दवाइयों को खाते हुए, कुछ दवाइयों को नहीं खाया, इसलिए नहीं खाया कि दुर्गा माता की भक्ति करते हैं, साल में दो दो बार नवरात्रे आते हैं, श्री कृष्ण भगवान ही ठीक करेंगे, करेंगे तो करेंगे, नहीं तो मोक्ष मार्ग तो है ही है, नहीं तो मर जाएंगे। सर फिर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आई? परमपिता परमात्मा जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मांड के एकमात्र सतगुरु हैं। परमात्मा की शरण में मुझे ज्ञान गंगा भगत दीपक जी हिमाचल से हैं, उन्होंने ज्ञान गंगा दी है। और जिस दिन से मुझे ज्ञान गंगा मिली, उस दिन से, उस ज्ञान गंगा को पढ़ने से मुझे लगा कि ऐसा ज्ञान जिसके लिए हम सदियों से तड़प रहे थे,
ज्ञान गंगा पढ़ते ही मेरी आत्मा गदगद हो उठी और मुझे लगा कि यहाँ पर अभी पक्का ठिकाना मिल गया है। जिस तरीके का ज्ञान ना कभी पहले सुना था ना ही सोचा था, वो परमात्मा कबीर भगवान कबीर साहब हैं। ज्ञान गंगा पढ़ने से दास को इतनी तो जानकारी हो गई कि इसके अलावा ब्रह्मांड में किसी भी प्रकार का और कोई ठिकाना नहीं है। तो ज्ञान गंगा पढ़ने से ही परमात्मा की शरण में आया हूँ जी। सर पहले आप बहुत भक्तियाँ करते थे और उन भक्तियों से आपको कोई लाभ नहीं मिला, आप उल्टे बीमार हो गए, अस्थमा जैसी बीमारी भयानक बीमारी आपको लगी। फिर आप परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक प्राप्त हुई आपको ज्ञान गंगा, उसे आपको पढ़ा तो उसने उसे आपने ऑब्जर्व किया कि भाई ये एक पुस्तक है और एक परम संत हैं सतगुरु रामपाल जी महाराज, उनसे नाम उपदेश लेना चाहिए, और आपने उनसे आपका नाम उपदेश लिया। तो परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने जो भक्ति आपको दी है, जो मंत्र जाप आपको करने को दिया है, उससे भक्ति से आपको क्या लाभ मिला? मुझे सबसे पहले तो मैंने ये सोच लिया था कि मेरी बीमारी को नज़रअंदाज करते हुए मैंने सोचा था कि बीमारी का अभी कोई किसी प्रकार का इलाज ना तो होगा ना ही मैंने कराना है। मुझे जिस चीज़ की चाहत थी कि मुझे मोक्ष मार्ग मिले और मुझे इसके अलावा और कुछ ना चाहिए था। तो परम संत तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से मुझे सबसे पहली बात तो मोक्ष मार्ग मिला। इसके साथ साथ में मैंने ऐसा कभी सोचा तक नहीं था कि हॉस्पिटल श्रीनगर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर, इसके अलावा दिल्ली हॉस्पिटल में बहुत अच्छे अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को दिखाया जिसके प्रमाण मेरे पास हैं, कलकत्ता में बहुत अच्छे स्पेशलिस्ट को पुलमोनोलॉजिस्ट को दिखाया, उन सब ने यही बोला कि इस बीमारी का आज तक कोई इलाज नहीं है ना ही होगा। मुझे बीमारी का तो कोई था ही नहीं लेना देना कि बीमारी का इलाज होए ना होए, आत्मा को चाहती थी कि मुझे मोक्ष मार्ग मिले और सद्भक्ति मिले। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से मुझे सबसे बड़ा लाभ तो ये है कि मुझे मोक्ष मार्ग मिला और जो ब्रह्मांड में मिलना बहुत मुश्किल है जो मुझे मिला, इसके लिए मैं परमात्मा संत रामपाल जी महाराज का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। इसके साथ साथ में परमात्मा ने कहा कि परमात्मा बंदी छोड़ हैं, बंदरों के शत्रु हैं, सब रोगों का नाश कर सकते हैं, वही परमात्मा कबीर साहब सब रोगों का सब कष्टों का निवारण करने में सक्षम है, बाकी किसी के वश में ये बात नहीं। नाम लेने के बाद तकरीबन एक महीना तक सही गुरुजी के आदेशों के अनुसार बताई गई भक्ति विधि से मर्यादा में रहकर मैंने भक्ति की और आज परमपिता परमात्मा की दया से मेरी दमा की बीमारी, सांस की प्रॉब्लम जिसकी वजह से मुझे घुट घुट कर जीना पड़ता था, टक्कर मार मार के रोता था कि इसका कोई इलाज नहीं है, कोई माता कोई पिता कोई भाई कोई बहन इस समय में मेरा साथ नहीं देता था क्योंकि इतनी भयानक बीमारी से ग्रसित था। और आज परमपिता परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी ने मेरे इस रोग को बिल्कुल जड़ से मिटा दिया, अभी परमात्मा का दास बिल्कुल स्वस्थ है जी। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपकी जो बहुत ही लाइलाज और भयंकर बीमारी थी जिसे आप अस्थमा कहते हैं, वो आपकी बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो गई और आपकी आत्मा को जो मुक्ति की जो मुक्ति के मार्ग की तलाश थी वो मुक्ति का मार्ग भी आपको मिल गया। मैं समझता हूँ अभी बहुत ही भाग्यशाली जीव आप हैं। तो सर भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? भक्त समाज से विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि जिन भगत आत्माओं को, जिन मानव समाज को, जिन मनुष्य को भक्ति की चाहत है, परमात्मा की खोज में सदियों से भटक रहे हैं, जंगल में मंदिर में गुरुद्वारा जी में मस्जिद में चर्च में
अन्य धर्म स्थलों पर परमात्मा की चाहत में जो भक्त आत्माएं भटक रही है, अन्य संतों के पास, अन्य और अपने तरीके से कोई भी साधना कर रही है, उन सब से दास की विनम्र प्रार्थना है कि 21 ब्रह्मांड के अंदर सतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अलावा किसी के पास भी मोक्ष मार्ग नहीं है। यह परम सत्य है और जिन भक्तात्मा को परमात्मा की चाहत है, जिनको भगवान से भगवान की खोज है, उन भक्तात्माओं को जल्दी से जल्दी बरवाला सतलोक आश्रम में आकर अपना मोक्ष मार्ग सबसे पहले तत्व ज्ञान को समझकर, सबसे पहले अपने सभी पवित्र सर्वधर्म ग्रंथों को समझकर, आधार मानकर, उस तत्व ज्ञान को समझकर, फिर सतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए और अपना जीवन कल्याण करें। जिस चीज की हमें लाखों वर्षों से तड़प थी, जिसके लिए लोग मंदिरों में धक्के खाने के लिए, मस्जिदों में जाने के लिए और मोक्ष मार्ग करने के लिए अन्य अपने ही तरीके से अलग अलग साधनाएं कर रहे हैं, इससे हमारे रोग नाश नहीं हो सकते, इससे हमें मोक्ष नहीं मिल सकता, इससे इस भक्ति करने और ना करने से किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला। इसलिए भक्त समझ से विनम्र प्रार्थना है कि तत्व ज्ञान को समझकर, सभी प्रमाणों को समझकर तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए और मोक्ष प्राप्त करें, यही मेरी प्रार्थना है जी। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सत साहिब।